नमस्कार, मैं प्रतीक्षा, N24 न्यूज में आप सबका स्वागत है। देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो सकता है तय। नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक। मुंबई के समुद्र किनारे जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी। बुधवार 30 अगस्त से 3 सितंबर तक लगातार 5 दिन अरब सागर में रहेगा हाई टाइड। उठेगी 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें। पालघर जिले के वसई इलाके में हुआ बड़ा हादसा। पानी में डूबे समंदर किनारे सेल्फी ले रहे पिता और पुत्र। पिछले 24 घंटे से जारी सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी अब तक नहीं बरामद हुए लापता पिता पुत्र। शैलेंद्र और देवेंद्र मोरे के रूप में हुई लापता पिता और पुत्र की पहचान। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने किया बड़ा दावा। कहा, कोरोना लॉकडाउन के बाद राज्य में बाल विवाह की संख्या में हुआ इजाफा। अकेले लातूर जिले में 37 बाल विवाह रोके गए और 2 घटनाओं में दर्ज किया गया मामला। मुंबई से अयोध्या जाने वालों के लिए रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से प्रयागराज जाने वाली तुलसी एक्सप्रेस का किया गया विस्तार। अब दोनों दिशाओं में अयोध्या तक चलेगी ट्रेन। सुल्तानपुर स्टेशन में स्टॉपेज दिए जाने के कारण चित्रकूट जाने वालों को भी मिलेगी सहूलियत। निर्यात ना होने के कारण रायगढ़ में JNPT बंदरगाह में रखी गई 800 टन प्याज हुई खराब। केंद्र सरकार द्वारा निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद प्याज नहीं हो सकी एक्सपोर्ट। किसानों और व्यापारियों को हुआ करोड़ों का नुकसान। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में CBI ने की बड़ी कार्रवाई। ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल से गिरफ्तारी से बचाने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप। पुनर्विवाह कर पाकिस्तान से नासिक के मालेगांव लौटी महिला पर महाराष्ट्र ATS रख रही है कड़ी नजर। पाकिस्तानी युवक से शादी कर लौटी महिला से ATS ने की पूछताछ और घर की ली तलाशी। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली। सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं के साथ स्कूल के अन्य छात्रों ने किया यौन उत्पीड़न। एक के साथ पार्क में तो दूसरे के साथ टॉयलेट में हुई दरिंदगी। हत्या की वारदात से फिर दहला यूपी का प्रयागराज। बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर कॉलेज के छात्र की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। आक्रोशित परिजनों ने खीरी चौराहे पर लगाया जाम। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और N24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।